हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में एक फिर से सुपर फूड लेकर आई हूँ। आपको बताऊंगी उसके बेनिफिट्स, यूजेस। आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, वो आपको 100% नहीं पता होंगे पहले से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख के लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के घर में गार्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन हर जगह ही आजकल फेमस है। पहले, अभी नहीं, बहुत पहले से ही जो हमारे पूर्वज हैं वो भी लहसुन का इस्तेमाल किया करते थे। लहसुन के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं उसे। गार्लिक के अंदर मैग्नीस, विटामिन B6, विटामिन सी, सेलेनियम एंड फाइबर, ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। और गार्लिक के अंदर मैं आपको बता दूँ, बहुत कम कैलोरीज होती हैं और हाईली न्यूट्रिशनल होता है। गार्लिक के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको कॉमन कोल्ड, अगर आपको जुखाम खांसी ये सब हो रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस आपको लहसुन को अपने खाने में डालना है। आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। लहसुन को आप घर की सब्जियों में डाल के खाइएगा, या आप गार्लिक टैबलेट्स भी ले सकते हैं अगर आप उसे खा सकते हैं तो, क्योंकि यूजुअली जब आप गार्लिक टैबलेट्स लेते हैं तो उसके थोड़े बर्ब्स वगैरह आते हैं आफ्टर इफेक्ट में, तो अगर आप वो रेजिस्ट कर सकते हैं, उसे टॉलरेट कर सकते हैं, तो आप गार्लिक टैबलेट भी ले सकते हैं अगर आपके घर के खाने में लहसुन नहीं डलता है तो। अब आप सोच रहे होंगे कि गार्लिक खाना इतना ज़रूरी क्यों है, लहसुन नहीं भी खाते तो क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर कई लोग ऐसे भी हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो उनको तो हम खैर फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग खाते हैं उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि लहसुन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देती हैं। तो अगर आप हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप गार्लिक ज़रूर खाया करें। इससे आपके ब्लड प्रेशर काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है तो, और आपके काफ़ी सारे मेडिसिन पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, अच्छा बेनिफिट पहुँचेगा आपको। गार्लिक कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है, जिससे आपके हार्ट डिजीज़ जो है उनका रिस्क कम हो जाता है, यानी कि LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम कर देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जितना ज़्यादा आप गार्लिक खाएंगे। गार्लिक आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी एनहांस करता है। पहले ज़माने में लोग गार्लिक को खाया करते थे अपने फटीग को रिड्यूस करने के लिए, जो भी उनका काम होता था उसकी थकान को दूर करने के लिए गार्लिक को खाया जाता था। तो आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है गार्लिक। गार्लिक खाने का सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये है कि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। आपकी बॉडी में से जितने भी हैवी मेटल्स हैं उनको डिस्पोज, फ्लश आउट कर देता है, क्योंकि गार्लिक के अंदर होती है एलिसिन, जो क्या करता है, लेड जैसे जो तत्व होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे वाइटल ऑर्गन्स के अंदर, उनको रिड्यूस कर देता है। गार्लिक आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है। तो आपको गार्लिक आज से ही अपने डाइट में डालना चाहिए। साथ के साथ आप इसे खा कैसे सकते हैं, आप सब्जियों में डाल के खा सकते हैं, आप गार्लिक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। कुछ इस तरह के दिखते हैं ये गार्लिक सप्लीमेंट, इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती है, तो आप इसे खाना शुरू करें, इससे आपको बेनिफिट 100% पहुँचेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।